Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The Bengal Trader. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि कल किस तरह से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, कल फ्राइडे है, कल के लिए बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले, चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कल आज इन्फ्लेशन डाटा आ चुका है. वो 8.2% का एक्सपेक्टेड था, माफ़ कीजिएगा, 8.1% का एक्सपेक्टेड था, लेकिन 8.2% आया. इसलिए आप लोग शायद अभी SGX निफ्टी को थोड़ा बहुत नेगेटिव देख रहे हो और इसीलिए US मार्केट भी थोड़ा बहुत प्रेशर में है. लेकिन एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी रिटेल कुछ मतलब ठान लेते हैं ऐसा होगा, उसका ऑपोजिट ही होता है. 8.2% आने के कारण से रिटेल अभी मैं चारों ओर देख रहा हूँ, सेंटिमेंट बहुत ख़राब है. मार्केट कल ब्लड बाथ होगा, गिर जाएगा मार्केट, कल टूट जाएगा, कल मार्केट एकदम ख़त्म हो जाएगा. तो दोस्तों चौंकिएगा मत अगर कल मार्केट बहुत अच्छा बुल रैली दे दे. ठीक है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग हमेशा याद रखिए, रिटेल जो सोचता है उसका ऑपोजिट होता है. तो US मार्केट नेगेटिव दिख रहा है सब लोगों को, कल शायद खुलते ही लोग शॉर्ट करना चालू कर देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. कल मार्केट में अपसाइड रैली आ सकता है, शॉर्ट साइड भी आ सकता है, अपसाइड भी आ सकता है. उसके लिए हमें क्या देखना होगा, लेवल्स. लेवल्स के ऊपर कुछ नहीं होता. देखिए, ये फिर से एक और दिन हो गया कि मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है. तो कल एक बड़ा इधर साइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बहुत शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे. दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये दो लेवल्स मैं इसको थोड़ा मोटा करके मार्क कर देता हूँ. ये जो दो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. क्या क्या है ये, 39,080, 39,080 ऊपर का, और 38,450, 38,450 नीचे का. इसके बीच में बैंक निफ्टी रहेगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे. 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं. ठीक है, आज का जो हाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का जो हाई है. ठीक है, ये हम आज का हाई क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए अगर आप नॉर्मल सा लेवल उतारेंगे मैप में, चार्ट में, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार टेस्ट हो चुका है. तो इस लेवल पे नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो ये टेस्ट करके नीचे आने वाला है नहीं. ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज का हाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का हाई को जब ये निकलेगा तब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं. तो हम थोड़ा बहुत अर्ली ट्रेड में घुस जाएंगे ना, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, हमारा टारगेट भी बड़ा हो जाएगा, है ना. इसलिए जितना हो सके अर्ली, कभी कभी अर्ली ट्रेड में घुसना भी बहुत अकलमंदी का चीज़ होता है. तो ये बात याद रखिए, हम यहाँ तक वेट ही नहीं करेंगे. 39,170 ये जो लेवल है यहाँ तक वेट ही नहीं करेंगे, हम आज का हाई देखेंगे. अगर एक बार आज का हाई इसने तोड़ दिया तो बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ का रैली हमें देखने को मिलेगा. हम आज के हाई से 10-15 पॉइंट ऊपर लेंगे बफर रख के, 39,080. ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 38,450. देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाना चालू करता है 38,800, आप एक बार वीडियो उठा के देख लीजिए, तो नीचे की तरफ एक डाउन साइडेड रैली देखने को मिलेगा. हम एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और सेफ ट्रेडर्स इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं. आप देखिए, एग्रेसिव ट्रेडर्स को भी बहुत अच्छा खासा मिला और सेफ ट्रेडर्स को भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला. और एक्सपायरी है तो 200 पॉइंट कहाँ से, यहाँ से देखिए आप एक बार, 800 से 465, लगभग 350 पॉइंट एक्सपायरी में आपका इसमें प्रीमियम ट्रिपल हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो इसलिए लेवल्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के लिए भी. तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ये बात याद रखिए, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही 38,450 को क्रॉस करेगा, हम नीचे की तरफ का शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं. हमारा 80 से 90 रुपये का हम स्टॉप लॉस देंगे और 140 से 150 रुपये का हम टारगेट लेंगे. कहाँ तक टारगेट लेंगे, कहीं ना कहीं इस गैप फिलिंग एरिया तक, जो कि है हमारा 38,100, 38,080, जो कि है 300 पॉइंट यहाँ से. ठीक है, तो इन केस अगर फ्लैट ओपन होके 38,450 के नीचे निकलना चालू करता है बैंक निफ्टी, तो हम तुरंत शॉर्ट कर सकते हैं, हम नीचे का एक टारगेट देखने को मिलेगा. थोड़ा सेफ ट्रेडर्स प्लेयर्स जो सेफ खेलते हैं वो एक 5 मिनट का कैंडल रुक जाइएगा. ठीक है, और जो लोग एग्रेसिव खेलते हैं वो लोग तुरंत शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल्स भी मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड हो चुका है. तो कल शायद ही आपको चांस मिले और धमाधम नीचे गिर जाए. ठीक है, इनकेस फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो याद रखिए, ये स्विंग भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये लाइन जोन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो
तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो कि थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर्स है, उनके लिए भी एक जोन में आपको ड्रॉ कर देता हूँ। हमेशा दो जोन रहता है, एक एग्रेसिव के लिए, एक सेफ के लिए। तो आप कौन से ट्रेडर है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दोनों वर्क करेंगे। अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे तो हमेशा एग्रेसिवली ही ट्रेड कीजिए, आज सेफ कल एग्रेसिव ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये जोन कौन सा है? 38,850। जो लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। 38,850 के नीचे, ऊपर माफ कीजिएगा, 38,850 के ऊपर जैसे ही फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी ऊपर जाना चालू करेगा, हमें कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लास्ट स्विंग का एसएल देंगे और हम 39,080 तक का टारगेट, फर्स्ट टारगेट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी थोड़ा देर रुक के निकलता है तो हम सेकंड टारगेट की सोच सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर इनके फ्लैट ओपन होने के बाद 38,800 को क्रॉस कर रहा है बैंक निफ्टी, तो ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा आपको रैली देखने को मिल सकता है। और कल फ्राइडे है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक अच्छा खासा गुड फ्राइडे हो जाए, ठीक है। होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल एक गुड फ्राइडे हो जाए बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। और इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो 38,450 को जैसे ही क्रॉस करेगा हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। इनकेस गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन होता है, देखिए गैप अप या गैप डाउन ओपन होने का चांसेस ज़्यादा है जिस तरह से इन्फ्लेशन डाटा आया है। तो हम पहले गैप डाउन का सिनेरियो की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हमें देखना होगा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मेरे लिंक बायो पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे दे दिया है, टेलीग्राम पे मैं नीचे भी लिंक दे दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट करता रहूँगा ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग करने में आसानी हो, ठीक है। गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमेशा मार्केट का सेंटिमेंट हमें ऑन द स्पॉट जज करना पड़ता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है बहुत बड़ा, तो देखना होगा कोई यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है कि नहीं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई हैमर कैंडल बनता है तो हम हैमर के नीचे एसएल देके गैप फिलिंग तक हम टारगेट ले सकते हैं ऊपर की तरफ आराम से। एक अच्छा खासा रैली, शॉर्ट कवर और प्रॉफिट बुकिंग का हमें देखने को मिलेगा। इनकेस बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो देखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार आ रहा है तो हम शूटिंग स्टार के ऊपर एसएल देके नीचे हम इस गैप तक टारगेट ले सकते हैं। जैसे ही शूटिंग स्टार के नीचे निकलेगा हम अच्छा खासा एक नीचे की तरफ का प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हैं वो हम देख सकते हैं। नीचे की तरफ हमें एक डाउनवर्ड का रैली देखने को मिलेगा अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर कोई शूटिंग स्टार आता है, ठीक है। छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है कोई दिक्कत नहीं है। ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है छोटे मोटे गैप अप या गैप डाउन के लिए। ये दो लेवल्स कौन से हैं? ये वाला जो लेवल है 38,850 और ये वाला लेवल 38,450। अगर छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है होने के बाद जैसे ही नीचे की तरफ ये लेवल को क्रॉस करेगा हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे। छोटा मोटा गैप अप ओपन होकर जैसे ही 38,850 को क्रॉस करेगा हम ऊपर की तरफ का लेवल लेंगे। तो कल एक और टिप्स देता देता हूँ आप लोगों को, कल 15 मिनट का ब्रेकआउट पर ट्रेड कीजिए। पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई, जैसे कि मान लीजिए मैं ये सब हटा देता हूँ, जैसे ही पहला 15 मिनट का कैंडल कल आएगा यहाँ पे, सपोज एक पहला 15 मिनट का कैंडल आया, उसका लो और उसका हाई को आप मार्क कर लीजिए। जैसे ही क्रॉस करेगा आप उसकी तरफ उस दिशा में ट्रेड ले लीजिए। डे एंड पे आपको मार्केट उसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि कल एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। कल ब्लैक फ्राइडे होगा या गुड फ्राइडे वो हमें कल ही पता चलेगा, लेकिन मैं एक छोटा टिप्स दे देता हूँ, 15 मिनट का कैंडल का कल डे हाई और 15 मिनट का हाई और लो मार्क करके रखिए। जिस तरह भी पहला 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा उसी तरफ मार्केट आपको क्लोज होने में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये लेवल्स याद रखिए और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। कल लाइव मार्केट में आपसे मुलाकात होगा, आप लोगों को ट्रेडिंग करने में आसानी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए बाय बाय।